दिवाली के समय हर घर में स्वादिष्ट भोजन बनता है। आप चाहकर भी इन स्वादिष्ट पकवान को खाने से अपने आप को रोक नहीं सकते। दिवाली में हम लड्डू, बर्फी, करंजी, चकली चूड़ा और कितना कुछ खा लेते हैं। अब ऐसे शुभ अवसर पर आप अपने आप को नहीं रोक सकते। अब इतना कुछ खाने के बाद कुछ घरेलू नुस्खों से आप अपनी सेहत का ख्याल तो रख सकते हैं। दिवाली के बाद अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें ताकि पेट में दर्द, बदहजमी और पेट की गर्मी जैसी तकलीफों से निजात पा सकें। ग्रीन टी। हम चाय के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन रेगुलर चाय को हम अगर ग्रीन टी से रिप्लेस कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ग्रीन टी किडनी साफ करने में मदद करती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। चेरी और कैनबेरी। चेरी और कैनबेरी को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है। 2 हफ्ते रोजाना ये फल खाने से यूटीआई की समस्या कम होती है। इसे किसी भी तरह खा सकते हैं। चेरी और कैनबेरी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कई बीमारियों से हमें दूर रखता है। जूस। बिना चीनी या नमक के ताजे फलों के जूस का सेवन काफी पौष्टिक होता है। फ्रूट जूस आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर की सफाई भी हो जाती है। आप नींबू, संतरे या तरबूज का जूस पी सकते हैं जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। हरी सब्जियाँ। हरी भरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ आदि कई स्वास्थ्य लाभ से भरी होती हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक विटामिन होता है। इन सब्जियों का सेवन करें या इनसे बने हुए जूस का सेवन करें, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत लाभदायक है। पानी। जैसा कि हम कहते हैं, शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। हर रोज 10 से 12 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर तरोताजा रखता है, पेट की गंदगी और त्वचा संबंधी तकलीफों को मिटाता है। तो इस दिवाली ध्यान से पटाखे जलाएं और स्वस्थ भोजन खाएं। और दिवाली के बाद इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। आप सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली।